हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर। एग्ज़ाम अकेडमी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सभी को भारत के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसमें इन्होंने टीचिंग पोजीशन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 जनवरी 2024 को जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उसमें आप लोगों को ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी कितनी सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट यहां पर रखा गया है वो क्या है। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं वो आप लोगों तक सही समय पर पहुँचता रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पोजीशन के लिए ये पोस्ट निकल कर आया हुआ है, जिसमें प्रोफेसर के लिए जो सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है एकेडमिक लेबर 14 का यहाँ पर रखा गया है 1,44,200 रुपये से यहाँ पर आप लोगों का इंट्री पे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वहीं असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो सैलरी यहाँ पर रखी गई है एकेडमिक लेबल 13A का यहाँ पर रखा गया है 1,31,400 रुपये पर मंथ की सैलरी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेबल 10 यहाँ पर रखा गया है 57,700 रुपये से आप लोगों का सैलरी यहां पर मंथ की स्टार्ट हो जाएगी। जिन पोस्ट के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं उसमें यहां पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंबाइंड नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स के नाम मेंशन है, और जिस भी कैटेगरीज में आप टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट डालना चाहते हैं उनका यहाँ पर सीटों के साथ नाम मेंशन किया गया है। अगर आप एनिमल साइंस के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं डीन दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ के लिए प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट निकल कर आया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से प्रोफेसर के लिए ही 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। विजुअल आर्ट में यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोस्ट निकल कर आया हुआ है। वहीं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए भी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ही यहाँ पर पोस्ट मांगे गए हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। मैथमेटिक्स से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहां पर 1 पोस्ट प्रोफेसर के लिए है, और दूसरा पोस्ट जो यहां पर है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रखे गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहां पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी एंड डोगरी के में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट यहाँ रखा गया है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। वहीं टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ योगा से फॉर्म अप्लाई करने पर 1 पोस्ट प्रोफेसर और 1 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहां पर रखे गए हैं। वहीं अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशनल एंड इकोलॉजिकल
एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। प्रोफेसर के लिए टोटल यहाँ पर सीट 11 है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 12 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो टोटल सीटें हैं वो 2 पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं यहाँ पर कुछ सीटें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मांगे जा रहे हैं, जिसके लिए आप अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ HP केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखा गया है और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 1 पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखा गया है। कुल टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रखा गया है और 5 सीटें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया है वो 7 फरवरी 2024 का डेट रखा गया है। यहाँ पर आप लोगों को जो अप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है वो ₹500 जनरल और EWS कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रखा गया है। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को ₹400 अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करना होगा। SC ST PWD और फीमेल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं उनको एग्जामिनेशन फ़ीस में एग्जेम्प्टेड यहाँ पर रखा गया है, तो आप लोगों का किसी तरीके का कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं लगने वाला है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई है प्रोफेसर के लिए उसमें आप लोगों को मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप लोगों का जो नेट है वो रिलेटेड सब्जेक्ट में हो, आप चाहे UGC के थ्रू आपका नेट हो या फिर CSIR के माध्यम से आपने अपना नेट क्लियर किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर 10 ईयर्स का आप लोगों के पास रिसर्च या फिर एजुकेशनल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, प्लस आपकी PhD कंप्लीट हो तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर प्रोफेसर के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस जो आप लोगों का है वो 6 ईयर्स तक का ही है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ UGC नेट या CSIR नेट आपका है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप स्लेट सीट आपने क्लियर किया हुआ है या फिर आप लोगों का जो PhD है आप लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इस वीडियो में इतना ही। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो वैकेंसी निकल कर आया हुआ है परमानेंट पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। कुछ सीटें यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी मांगे गए हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पे लेबल आप लोगों का ₹57,700 से यहाँ स्टार्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। वहीं प्रोफेसर के लिए यहाँ ₹144,200 तक की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलते हैं कि नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।